Question number one. Which of the following is not true? A. More than 3000 variety of rice are cultivated in India. भारत में चावल की 3000 से अधिक किस्मों की खेती की जाती है. B. Lighting is one of the source which provided nitrogen to soil. बिजली उन स्रोतों में से एक है जो धरती को नाइट्रोजन प्रदान करती है. C. Laterite soil develop as a result of leaching in area with high temperature and high rainfall. लैटेराइट मिट्टी क्षेत्रों में लीचिंग के परिणाम स्वरूप उच्च तापमान और उच्च वर्षा के साथ विकसित होती है. D. Commonly used resources are known as non-conventional resources. आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले संसाधनों को गैर पारंपरिक संसाधन के रूप में जाना जाता है. So, correct answer है option D. Commonly used resources are known as non-conventional resources. Question number 2. Which of the following symbol represent the national airlines of India? इन चारों में से कौन से सिंबल एयरलाइंस ऑफ इंडिया के सिंबल के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम. आज मैं आपके लिए क्लास फोर्थ सोशल स्टडीज से सैंपल पेपर एंड सिलेबस लेकर आई हूँ. ये सिल्वर जोन ओलंपियाड के सैंपल पेपर है. चलिए सैंपल पेपर में आगे बढ़ने से पहले इसके हम सिलेबस को देख लेते हैं कि सोशल स्टडीज के सिलेबस क्या क्या हैं. क्लास फोर्थ के लिए सोशल स्टडीज के सिलेबस है सेक्शन आवर कंट्री, जिससे हमारा हो जाता है आवर नेशनल सिंबल, लैंडस्केप एंड इट्स पीपल, आवर हेरिटेज. इससे 5 क्वेश्चंस रहते हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स 50. नेक्स्ट रिसोर्सेज सेक्शन से हो जाते हैं आपके नेचुरल, वेजिटेरियन एंड सॉयल, एयर एंड वाटर, जिससे 6 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल मार्क्स 3 मार्क्स इस क्वेश्चन, सो टोटल मार्क्स 18. वर्क एंड प्लेसेज चैप्टर हो जाते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड स्पोर्ट्स, जिससे 4 क्वेश्चन रहते हैं, 3 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स 12. नेक्स्ट हमारा सिलेबस हो जाता है आवर गवर्नमेंट. ये है हमारा आवर गवर्नमेंट, जिससे हो जाता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी एंड पब्लिक सर्विस, जिससे 3 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल मार्क्स 9. नेक्स्ट टाइम एंड डायरेक्शन, जिससे टाइम मैपिंग एंड नाइबरहुड, 2 क्वेश्चंस, 6 मार्क्स. सेटल्ड लाइफ में हो जाता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, से 2 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 6 मार्क्स के हो जाते हैं. इसी प्रकार अर्थ एंड इट्स नेबर्स में हो जाता है सोलर सिस्टम, मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्लाइमेट एंड सीजन, जिससे 3 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल मार्क्स 9 हो जाते हैं. नेक्स्ट हो जाते हैं स्कॉलर जोन, जिससे कि जो अभी आपने ऊपर ये सिलेबस देखा है इसी सिलेबसों से हायर थिंकिंग क्वेश्चंस रहते हैं, अर्थात क्वेश्चन को डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछकर घुमाकर पूछा जाता है. इस प्रकार टोटल मार्क्स हो जाते हैं 13 एंड टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100. टाइम ड्यूरेशन इसमें होता है 40 मिनट्स. टाइम ड्यूरेशन चलिए देख लेते हैं. टाइम ड्यूरेशन जो है हमारा पर यहाँ पर है 40 मिनट्स. इस पेपर के लिए 40 मिनट्स टाइम दिया जाता है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 30. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं. Suppose one night while sleeping, river appeared in your dream and challenged you with the following word. मान लीजिए एक रात सोते समय एक नदी आपको दिखाई देती है और आपके सपने में, और वो बोलती है कि आप इनके वर्ड्स को किस तरह समझते हैं. I am Jamuna in Bangladesh. मैं जमुना हूँ जो बांग्लादेश में हूँ. टी शैम्पू इन द टाइबेट, शैम्पू टाइबेट में है. एंड येलो जंगू इन चाइना. तो कैन यू रिकोनाइज मी, तो आप किस प्रकार इसको रिकोनाइज कर सकते हैं. व्हाट विल योर आंसर. ए. यू आर द यमुना रिवर. बी. यू आर द गंगा रिवर. सी. यू आर द ब्रह्मपुत्र रिवर. या डी. यू आर द नर्मदा रिवर. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. यू आर अ ब्रह्मपुत्र रिवर.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इन विच फॉलोइंग 1/3 ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन। निम्नलिखित में से किसमें सभी सीटों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? ए पंचायत, बी म्युनिसिपलिटीज, सी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है पंचायत। पंचायत में सभी सीटों पर 1/3 सीट महिलाओं के लिए पंचायत में रिजर्व रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, योर फादर प्रॉमिस टू टेक यू टू शिप बिल्डिंग्स यार्ड ड्यूरिंग समर वेकेशन। आपके फादर ने आपसे प्रॉमिस किया है कि समर वेकेशन में वो आपको शिप बिल्डिंग यार्ड ले जाएंगे, दिखाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज यू माइट द विजिटिंग फॉर द पर्पस। इन सभी में से कौन से ऐसे प्लेस पर इस पर्पस के लिए आप विजिट करेंगे? ए बेंगलुरु, बी गुड़गांव, सी पुणे या डी मर मैंगोमो। क्या है मर मैंगोमो? तो कौन से स्थान पर आप इसमें से विजिट करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मर मैंगोमो। मर मैंगो करेक्ट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द म्यूटू डैम बिल्ट ऑन द डैस रिवर इन द बिगेस्ट एरिगेशन प्रोजेक्ट इन साउथ अमेरिका, साउथ इंडिया। सॉरी, इनमें से कौन सी नदी पर बना मैटूर बांध दक्षिण भारत की सिंचाई परियोजना का, दक्षिण भारत में सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है? जो कौन सी नदी पर बन रही है मेट्रो डैम? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा या डी नर्मदा। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कावेरी। कावेरी नदी पर बना मैटूर बांध दक्षिण भारत में सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 7, ये मैच दिए गए हैं और इधर कुछ स्थान दिए गए हैं, इसको हमें मैच करके पता है कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। यहाँ पर एक हो रहा है कोली, कोली 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 इज द फॉक डांस ऑफ महाराष्ट्र। कोली इज द फॉक डांस ऑफ महाराष्ट्र। बी भद्रम शलम, ये हो गया आपका भद्राचलम। भद्राचलम इज ए पहली पिलिमरेज टाउन इन तेलंगाना, तेलंगाना। एंड हो गया मेखला, मेखला इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वोमेन इन आसाम। एंड भुट्टे की किस इज द स्पेशल डिश ऑफ द मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार इसके सही ऑप्शंस हो जाते हैं ऑप्शन सी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा पूरा वॉच करें, स्किप करके ना देखें। साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, इससे पहले मैंने क्लास 1st, 2nd, and 3rd के सभी सब्जेक्ट के सिल्वर जोन के ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो एक बार अवश्य देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनमें से किन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद। नंबर 9, व्हाट इज द अंडरस्टैंड ऑफ मैंगो सावर। मैंगो सावर से आप क्या समझते हैं? मैंगो सावर मतलब आम की वर्षा, आम की बारिश। ए हैवी मानसून रेन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भारी मानसून। बी एक्सेसिव हार्वेस्ट ऑफ मैंगो इन द वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आम की अत्यधिक फसल। सी
प्रीट्रेडिंग मानसून रेन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में मानसून की वापसी या डी प्री मानसून रेन इन केरला, केरला में प्री मानसून बारिश। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी प्री मानसून रेन इन केरला इज द नंबर सर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैड बीन एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 एडमेंट इन 1976, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ए डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, बी सबवर्शन एंड सोशलॉजिस्ट सोशलिस्ट, सी सबवर्शन एंड सेकुलर या डी सोशलिस्ट एंड सेकुलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोशलिस्ट एंड सेकुलर, अर्थात समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सब्जेक्ट के ओलंपियाड में नेक्स्ट डे लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज इसे देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।